मेरा नाम दीपांजली है और मेरी उम्र 40 साल है मेरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैमिली है जिसमें मेरे हस्बैंड हैं एक 17 साल की बेटी है मेरा खुद का एक वेलनेस सेंटर है एक दिन सडन मैं अपने ऑफिस से घर पहुंची और मुझे सडन सांस नहीं आ रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी सांस उखड़ रही है और मुझे सडन फील हुआ कि मेरी ब्रेस्ट में एक लम्प है वो जो कि मुझे फील होने लगा एकदम सडन पॉइंट पे तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने मुझे गायनोकॉलॉजिस्ट को दिखाया गायनोकॉलोजिस्ट ने मुझे चेक किया उन्होंने कहा आपको ना कैंसर चेक कराने की ज़रूरत है तो मेरे हस्बैंड के आंखों में आंसू आ गए उन्होंने पूछा क्यों मेरी वाइफ को कैंसर है क्या तो उन्होंने कहा नहीं कैंसर नहीं है आप जाओ एक बार मेरी बात मानो आप जाओ तो इन्होंने बिना वेट किए मुझे बहुत बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल में ले गए वहाँ पे मुझे कैंसर चेक कराया मेरी बायोप्सी हुई बायोप्सी कराने के बाद उसमें डायग्नोज हुआ कि डैट इज़ ए कैंसर वो कैंसर है मुझे उन्होंने शाम को बताया मैं कहीं चला गया था उनका जैसे ही मुझे फ़ोन आया शाम को सात बजे कि अमित मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहिएगा। उन्होंने कहा कि दीपांजलि को कैंसर है उन्होंने जैसे ही वो बोला मेरा माइंड एकदम शट डाउन हो गया

अरे मेरी ज़िंदगी तो अब दो साल की है साल की है तीन महीने की है या आज ही खत्म हो जाएगी कुछ पता नहीं था बिकॉज कैंसर वर्ड एक ऐसा था जिसके थ्रू हम सोच ही नहीं पा रहे थे आगे मेरी डॉटर जिसे कुछ नहीं पता उसे यही नहीं पता मेरी माँ के आगे कोई दुनिया है उसने कहा मम्मा आपको कैंसर है उसकी मतलब वो लड़की कहने लगी कि मे मेरी मदर होती है वो भी मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी तो मेरा कौन साथ रहेगा तो वो वर्ड ना मेरे को कहीं ना कहीं पिंच कर गया कि आपके बाद आपके जीवन में क्या है आपके बच्चे नहीं है आपकी फ़ैमिली नहीं है क्या नहीं है फिर इन्होंने आ, मेरे हस्बैंड ने एक अच्छे हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट कराना शुरू किया जहाँ पे हमने पूरी आ, अपनी बायोग्राफी लिखवाई कि हमारे ट्रीटमेंट में क्या क्या चलेगा उन्होंने बताया कि आपको आर्ट साइकिल कीमो की चलेंगी फिर आ, आपकी सर्जरी होगी जिसमें आपकी ब्रेस्ट को पूरा रिमूव कर दिया जाएगा एक लेडी के लिए सुनना कि उसकी ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया उसकी उसकी एक सुंदरता आपकी उसकी पर्सनालिटी ख़त्म हो गई तो वो वर्ड ही सुन के मुझे ऐसा लगा कि अब क्या बचा है मेरे जीवन में इससे तो मुझे मारी दो फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो कोई नहीं जैसा है हमने अपने आप को संभाला हमने वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा मेरी बारह कीमोथेरेपी हो गई थी मेरी सोलह कीमोथेरेपी होनी थी जब मेरी ग्यारह कीमोथेरेपी हो गई तो मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी कोई ऐसे ही जस्ट जनरली तो मैंने देखा वहाँ पे कैंसर हीलर का ऐड आ रहा है फिर आ, मैं उसमें इन्वॉल्व होती चली गई धीरे धीरे मैंने उसके सारे वीडियोस देखे मैंने कृष्णा सर को पूरा उनका चेक किया हर एक आ, उसमें जा के मुझे दो दिन लग गए पूरी उसकी फेसबुक आईडी चेक करने में सर के इंटरव्यूज़ को चेक करने में पेशेंट्स के रिव्यू लेने में फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आ, मुझे कैंसर हीलर के बारे में पता चला है और आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे लेके जाओ तो मेरे हस्बैंड सडनली कि तुम मेंटल हो क्या तुम्हारा दिमाग नहीं है मृत्यु के मुंह पे खड़ी हो और तुम ऐसी बातें कर रही हो कैंसर हीलर चलो हॉस्पिटल से भी बढ़कर कोई भगवान है क्या आपके जीवन में जो आपको टिक कर देगा फिर आ, मुझे समझ नहीं आई मुझे लगा शायद सच बोल रहे हैं फिर मेरी एक साइकिल ओवर हो गई फिर मैंने दोबारा कैंसर हीलर का ऐड देखा फिर मेरे अंदर एक आशा और आई फिर मैंने हस्बैंड हाँ, को बोला एक मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो मुझे कैंसर हीलर ले चलो तो हम लोग साउथ एक्स आ, की ब्रांच में हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया आज से एक साल पहले और उस दिन आ, मेरा कीमो का सेकेंड डे था और मेरी कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी फिर भी मैं कैंसर हीलर सेंटर आई एक होप लेके कि हाँ मैं शायद जो ट्रीटमेंट सर्वाइवल चल रहा है मेरा उससे बेटर कंडीशन हो जाए मेरी मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कीमो के टाइम पे कि मैं सिर्फ सुन सकती थी देख सकती थी रिएक्शन मेरी बॉडी का बिल्कुल ख़त्म हो गया था ना तो मेरा मुंह चलता था ना मेरे हाथ चलते थे ना मेरे पैर चलते थे सिर्फ बेड पे पड़ी रहती थी मैं तो ऐसा लगता था कि आपके तो लाइफ अब ख़त्म हो गई है एक से पानी लेना होता था मुझे तो मुझे पूरा दिन लगता था एक से पानी लेने में इतना सा पानी लेने में मुझे पूरा दिन लगता था इस तरीके से मेरा पूरा बन हो गया था और मेरी स्किन पूरी काली पड़ गई थी बिल्कुल ब्लैक जिसे कहते हैं मैं आपके साथ एक फ़ोटो शेयर करना चाहूँगी अपनी जर्नी की ये मेरी कंडीशन हो गई थी यहाँ मेरे हाथ पे लिखा है नो आ मूवमेंट बिकॉज मेरा बैक से पूरा एक लेयर काट के इन्होंने सर्जरी की थी प्लास्टिक सर्जरी जो आगे लिफ्ट की थी इन्होंने ये मेरा हाथ पूरा चलता नहीं था फिर मैं कृष्णा सर से मिली कृष्णा सर ने मुझे पूरी होप दी यस कि हाँ आप ठीक हो जाओगे आप हम पे विश्वास करो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, आ, हम यहाँ से एक कोर्स लेकर के मेडिसन्स का तो घर जा कर के मेरे हस्बैंड ने उसे ओपन नहीं करने दिया कि अभी भी सोच लो ये डिब्बा बंद है खाना है नहीं खाना है तो वो दस दिन ऐसे ही निकल गए हमारे जीवन में तो मैंने आ, दस दिन के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मेरा एक बार ट्रीटमेंट कैंसर हीलर से करा दो चाहे आप मेरा वहाँ से बंद करा दो हॉस्पिटल में जो भी आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जो भी बड़े वो हैं आप उनका बंद करा दीजिए तो मेरे हस्बैंड कहते हैं देख लो आपकी मर्ज़ी है बाद में ये मत कहना कि आपके साथ जस्टिफाई नहीं हुआ मैंने कहा ठीक है आप मेरा ट्रीटमेंट करा दीजिए कैंसर हीलर से तो मैं अपने आप देखूंगी मैं ठीक हो सकती हूँ कि नहीं मैंने बिलीव मी आपको शायद बिलीव हो ना हो मैंने एक महीना इसकी दवाई खाई है एक महीना और एक महीने में मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई ना कोई पेन ना कोई वीकनेस मेरे हेयर आने लगे कीमो के टाइम पे मेरे हेयर चले गए थे मतलब वो टाइम तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती बट यस कैंसर हीलर के बाद मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ की दवाइयाँ एक अमृतवान है आज आप मुझे बिल्कुल ठीक देख रहे हो आप मैं बिल्कुल फिट हूँ यस yes, वो सिर्फ कृष्णा सर की बदौलत मुझे लगता है आपके जीवन में अगर कोई भगवान है ना तो यस वो कृष्णा सरी हैं अगर आपको कैंसर हुआ है और अगर आप यहाँ नहीं आए एक बार तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया डॉक्टर्स तो आपकी बॉडी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं जो फील मैंने किया है ना यस आपकी बॉडी में जान नहीं बचती कीमो के बाद आप ख़त्म हो जाते हो वो एक नरक से भी बदतर जिंदगी है आप यहाँ आओ आप यहाँ की ट्रीटमेंट लेके दे देखो यस मैंने लिया है मैंने वो चीज़ फ़ील की है मैं अपने पैरों पे चलना शुरू हुई हूँ क्यों क्योंकि मैंने यहाँ की दवाइयों का सेवन किया है yes. यस आज जो मैं बोल पा रही हूँ ना सिर्फ कृष्णा सर की वजह से मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट थी कैंसर हीलर के पूरी फैमिली एक सिवाय मेरे आज मेरी पूरी फैमिली रोड पे चलते चलते प्रचार करती है कैंसर सुनाई तो देता है ना तो, तो मेरे फैमिली कहते हैं कैंसर हीलर सेंटर जाओ ना मेरी बहू से बात करो मेरी मदर इन लोग कहती है मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरी वाइफ से बात करो बिकॉज आज इनको अंधविश्वास है आज काफ़ी अच्छा लगता है कि हम एक बहुत ही बुरे टाइम से बाहर निकले हैं और हमारी लाइफ एकदम नॉर्मल है और हम खुशी से अपना ऑफिस जाते हैं आते हैं एंजॉय करते हैं लाइफ एकदम नॉर्मल लगती है और पहले की तरह बिल्कुल हो गई हमारी लाइफ आज हमें एक्चुअली लगता है कि हम नए जीवन में और ख़ुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं हमारा बच्चा भी हैप्पी है घर भी कंप्लीट लगता है घर जाते हैं घर की फैमिली साथ बैठती है चाय साथ में लेती है दोबारा से एक जीवन एक नई उड़ानों की तरह लगता है ये yes, की वजह से। मेरे साथ ये है यही बहुत है मेरे लिए <laughs> इससे बड़का कुछ नहीं चाहिए और हमारी फैमिली हमारी फैमिली सिर्फ और सिर्फ कृष्णा सर की वजह से आज इस बात का पता लगता है कि कि together, togetherness is everything.